अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों हमने अपना एक अतर लॉन्च किया था, सफ़ा मरवा, तो बहुत ज़्यादा पसंद आया लोगों को और बहुत ज़्यादा जो है लोगों ने शौक़ से उसको इस्तेमाल भी किया और बहुत अच्छे पॉजिटिव रिव्यू भी गए। तो अब बहुत सारे हमारे कस्टमर ऐसे हैं जिनका ये कहना था कि अब आपको परफ्यूम भी जो है वो उसका लॉन्च करना चाहिए। तो हम ऑफिशियली तौर पे तो लॉन्च नहीं करते, लेकिन मैंने सोचा कि आपको वीडियो एक बना के इसमें बता दूँ कि जितने भी हमारे अतर हैं, आप उन तमाम अतर्स के परफ्यूम बनवा सकते हैं कस्टमाइज़, जिसका जो भी ऑर्डर होता है उसका मौके पर परफ्यूम बनाया जाता है और उसको जो है वो भेज दिया जाता है। तो हम लोग पहले से सारे अतर्स के परफ्यूम नहीं बनाते, बल्कि जो भी हमें ऑर्डर आता है हम उसका परफ्यूम आपको दे सकते हैं। तो ये मेरे हाथ में ये सफ़ा मरवा है जिसका मैंने परफ्यूम बनाया है अपनी ज़ात के लिए, और मैं ये समझता हूँ कि अगर आप लोगों को अतर से लास्टिंग सही नहीं मिल रही हब्स के मौसम के अंदर भी, या सर्दी में या गर्मी में कभी भी, तो आप उस अतर को अगर आप पसंद करते हैं, उसकी खुशबू आपको पसंद है, तो आप उसका परफ्यूम जो है वो बना सकते हैं। परफ्यूम में इस्तेमाल करने से ये होता है कि उसकी जो प्रोजेक्शन है वो बहुत ज़्यादा फैलती है और जिस जिस जगह से आप गुज़रते हैं वहाँ पर आपको बड़ा अच्छा एक फ़ील देती है, बड़ा एक अच्छा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट बन जाता है। तो अतर में ये होता है कि चूँकि जब हब्स का मौसम आता है तो गर्मी की शिद्दत की वजह से और हब्स की वजह से उसकी जो प्रोजेक्शन है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। हाँ, सिर्फ इतना फ़ायदा होता है गर्मियों के मौसम के हब्स के मौसम में बिलखसूस कि आपके कपड़ों से स्मेल नहीं आती। हमारे माइंड में होता है कि हम महंगे से महंगा परफ्यूम या अतर लेंगे तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी खुशबू फैलेगी और वो हब्स के मौसम में काम करेगी। आपने अपने माइंड में ये चीज़ रखनी है कि ये ऐसा मौसम है जो परफ्यूम्स को, सेंट्स को समझ लें कि एक किस्म का मार देता है, ख़त्म कर देता है। लेकिन चूँकि हम लोग आम रूटीन के अंदर गर्मियों में या सर्दियों में जो मिड मौसम होता है जिसमें पसीना ज़्यादा नहीं आता, हब्स ज़्यादा नहीं होती, उसमें तो परफ्यूम की प्रोजेक्शन भी बहुत अच्छी होती है, उसकी लास्टिंग भी बहुत अच्छी होती है। लेकिन इस मौसम के अंदर ज़्यादातर जो खुशबुएँ आपकी चल जाती हैं वो आपको सिर्फ इतना फ़ायदा देंगी कि वो आपके कपड़ों में से स्मेल नहीं पैदा होने देंगी, बहुत ज़्यादा फैलेंगी नहीं और बहुत ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग नहीं होंगी। तो मैक्सिमम उसकी जो लास्टिंग है वो 3 से 4 घंटे हो जाती है इस मौसम के अंदर। तो ये बहुत ज़्यादा बेस्ट होता है, और ख़ास करके जो ये क्या नाम है परफ्यूम है, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा लास्टिंग ज़्यादा दे और थोड़ा फैले भी, तो फिर आप जो आपके फेवरेट अतर या जो भी हैं वो आप उनको परफ्यूम फॉर्म में बनवा सकते हैं। तो मैंने अपने लिए आजकल जो मैं इस्तेमाल करूं बहुत ज़्यादा, जो हर मौसम के लिए बेस्ट है, जो अतर में भी आप लोगों ने इस्तेमाल किया, तो ये परफ्यूम है। और इसको एक कॉमन सा तरीका मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल में मैं आपको फिर कभी इंशाल्लाह बताऊँगा। अक्सर लोग जो है ना वो परफ्यूम को बहुत ज़्यादा करीब करके उसको यहाँ पर लगाते हैं, वो समझते हैं कि वो जो उड़ जाता है हमारा ज़ाया हो जाता है। ऐसा नहीं है, परफ्यूम को जब भी आपने लगाना है तो थोड़ा सा दूर करके, अगर तो उसका उसकी जो जो सेलेज है अगर उसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, उसका जो प्रेशर है बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो फिर आप थोड़ा दूर करके भी लगा सकते हैं। उससे होता है कि प्रॉपर जो है वो आपके कपड़ों में परफ्यूम लगता है, नहीं तो आप जब बहुत ज़्यादा करीब करके लगाते हैं तो या तो वो इसके ऊपर सारा गिर जाता है जो इसका ये जो इसका नोज़ल होता है, या वो आपके जो है वो कपड़ों के साथ या स्किन के साथ ज़्यादा लग जाता है और वो फिर आपको लास्टिंग देता है। तो आपने थोड़ा सा इसको इस तरह से दूर रख के इस तरह से आपने अपने कपड़ों पे लगाना है तो ये आपके कपड़ों पे लगेगा। अगर आप करीब करके इसको बिल्कुल ऐसे करके लगाएंगे तो ये आपके बॉडी के साथ जाके लग जाएगा और ये आपको लास्टिंग भी नहीं देगा, प्रोजेक्शन भी नहीं देगा, आपका परफ्यूम ज़ाया हो जाएगा, सिर्फ आपको 1 या 1.5 घंटा उसकी लास्टिंग मिलेगी। तो मैं समटाइम जब भी परफ्यूम लगाता हूँ तो 2-3 परफ्यूम्स मिक्स करके लगाता हूँ, उससे एक बड़ा ज़बरदस्त एक इन्वायरमेंट क्रिएट होता है। तो आजकल मैं चूँकि हब्स बहुत ज़्यादा है तो उसके अंदर थोड़ी सी सिट्रसी, मस्की और उदी टाइप फ्रेगरेंस को मैं लगाता हूँ परफ्यूम बनाकर, और समटाइम मैं अतर भी लगा लेता हूँ जब मैं देखता हूँ हवा चल रही है, मौसम अच्छा है हब्स के टाइम में भी, तो उसमें अगर हवा चल रही है तो आपका अतर भी काम कर जाता है, और जब बिल्कुल भी हवा नहीं चल रही, धूप बहुत तेज़ हो, तो आप ये स्प्रे फॉर्म में इसको लगा सकते हैं। मैं इसको जो है वो दोनों परफ्यूम्स को मिक्स करके समटाइम लगाता हूँ और उससे बड़ी एक अच्छी सी फीलिंग आती है। और ये बॉटल्स जो हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको भी इन्हीं बॉटल्स में मिले, हमेशा बॉटल्स हमारी डिफरेंट होती हैं क्योंकि हम कस्टमाइज़ बनाते हैं। जब हम सारे अतर्स के परफ्यूम ऑफिशियली लॉन्च करेंगे तो फिर सबकी बॉटल जो है वो अलग अलग और सेम आपको मिलेगी। तो ये जो 2 महीने परफ्यूम लगाए हैं, ये मेरा है मुंतकाल, ये बड़ा मेरा फेवरेट है, पर्सनल यूज़ के लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ,
और ये है सफ़ा मरवा जो हमने अभी निकाला है। तो आप अगर आपके पास मुंतकाल नहीं भी है तो आप कोई भी लगा सकते हैं, आप परफ्यूम के साथ अतर भी अपने कपड़ों पे लगा सकते हैं। समटाइम ये होता है कि आपका परफ्यूम लास्ट नहीं कर रहा होता तो आपका अतर जो है वो काम दे जाता है, अगर परफ्यूम जल्दी उड़ गया है तो आपका अतर अगर आपने लगाया हुआ तो वो भी लास्ट कर जाता है। तो ये मिक्स होकर एक बड़ी सी बड़ी खूबसूरत सी स्वीट सी फ्रेगरेंस आपके कपड़ों में रह जाती है, जो हब्स के मौसम में कम से कम दर्जे में आपको ये फ़ायदा देगी कि आपके कपड़ों में स्मेल नहीं आएगी। प्रोजेक्शन बहुत ज़्यादा फैलना इस मौसम में आप तवक्को ना ही रखें तो अच्छा है। तो इस तरह से आप परफ्यूम से या अतर से मायूस नहीं होंगे, बल्कि आपको खुशी होगी जब आप इन सब चीज़ों को ज़ेहन में रखकर परफ्यूम या अतर को इस्तेमाल करेंगे तो आप कभी भी अतर से डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जज़ाकअल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।